नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। इस वक्त हम लोग हरिद्वार में हैं और गंगा स्नान करने के हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग हरिद्वार विजिट करने वाले हैं, मनसा देवी, चंडी देवी। और यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे पांच ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके अपना फूड इंजॉय कर सकते हो जो कम बजट में हो जाएगा, और पाँच ऐसी जगह जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो मतलब लो कॉस्ट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हर गंगे। इस वक्त मैं जिस होटल में रुका हूँ उसके बाहर खड़ा हूँ और ये हमारा कमरा है। तो चलिए अंदर का कमरे का टूर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि हमें 1000 रुपये में कैसा कमरा मिला है। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो ये एंट्री गेट है, ये है आपको बाथरूम है, काफ़ी स्पेस है इसमें और गीजर की सुविधा भी है तो बेहतर है। ये हमारा सामान वामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। ये एक सिंगल बेड है और ये डबल बेड है। हम लोगों ने टोटल 4 लोगों ने इस कमरे में स्टे किया है। टीवी भी है और सबसे बड़ा एसी है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो गर्मी बहुत है। तो अब बात करें इस कमरे की, तो 1000 रुपये का ये कमरा पड़ा है, यानी पर पर्सन 250 रुपये एसी वाला कमरा। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है हरिद्वार में, इस समय सीज़न हो गया है क्योंकि यात्रा आज ओपन हुई है। तो और भी हम कमरे को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम लोगों ने 4-5 और कमरे देखे थे तो हमें ये ज़्यादा समझ में आया 1000 रुपये में और आपको क्या चाहिए। बाकी जो और कमरे हमने देखे हैं ना वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब बजट वाले कमरे हैं और बेहतरीन कमरे हैं। हम लोग इस वक्त मनसा देवी पैदल मार्ग पे आ चुके हैं और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 1:30 बज रहा है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कितना समय लगता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम लोगों को ट्रैक करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया। काफ़ी तेज होकर हवा देख, काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है, आवाज़ आपको आ रही होगी। हम लोगों ने पानी की बोतल ले ली है, जो ऊपर का चादर लगा हुआ है नीचे है, और ठंडा ठंडा बोतल मिल गया हमें। नीचे दूध डेरी है 30 रुपये की, पीते हैं और थोड़ा फिर ऊपर चलते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग मनसा देवी टेम्पल पर आ चुके हैं और यहाँ पे भी आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। नीचे से वैसे मिलती है, नीचे से वाले कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप नीचे से भी ला सकते हैं और ऊपर भी ला के आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। वैसे भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और दोपहर का समय है, हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं। देखते हैं हमारा नंबर कितनी जल्दी आ जाता है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लाइन लगती है लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हम लोग इस वक्त आ चुके हैं और लाइन में लग चुके हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है तो हमें लगता है आधा घंटा लग जाएगा, बहुत तेज़ गर्मी है। तो चलिए लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं मनसा देवी के। लाइन काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, हमारा नंबर अब आने ही वाला है, तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद आपको हम ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, हम मनसा देवी में दर्शन कर लिए हैं, करीबन आधे घंटे लगे हमें दर्शन होने में, 3:45 बजे। अभी हम लोग का प्रोग्राम चंडी देवी जाने का है और हमें पता नहीं है वहाँ ट्रॉली मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यहाँ से जैसा होगा हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। वीडियो से आप बने रहिएगा। जय माता दी। मनसा देवी का उड़न खटोले का रेट है आपको अप डाउन का 350 रुपये और चंडी देवी का है 450 रुपये। हम तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको रेट हमने बता दिया है। हम लोग आ चुके हैं प्रकाश लोक मशहूर लस्सी भंडार पे, जो ये मार्केट में ही पड़ता है और यहाँ की लस्सी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं प्रकाश लोक पे, यहाँ की लस्सी और कुल्फ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो हम लोगों ने अपने लिए ले लिया, काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी और ये 80 रुपये की है तो इसको टेस्ट करते हैं। एंड टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इस गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी इन्जॉय करते हैं और आपको फिर किसी अदर शॉप पर मिलते हैं। और ये सभी लोग यहीं खा रहे हैं लस्सी। कैसा है, तुम बताओ कैसा है? और वो बहुत पीछे परेशान है, कैसा है? तो हम लोग इस वक्त आ चुके हैं होटल राज डिलक्स में, ये जस्ट मार्केट में ही है और इसमें 800 से लेके 1200 के रेंज का आपको कमरा मिल जाएगा। नॉन एसी मिलेगा और डबल बेड मिलेगा, आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं होटल सिवाय, यहाँ पे बहुत ही सस्ते कमरे हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको घंटों के हिसाब से भी कमरे मिल जाएंगे, लाइक आप 1-2 घंटे के लिए रुकना चाहते हैं तो आप 1-2 घंटे के लिए भी स्टे कर सकते हैं और बाकी आप पूरे दिन के लिए ले सकते हैं। नॉन एसी एसी दोनों हैं, आपको यहाँ पे 500 से लेके 1500 तक के रेट में कमरे मिल जाएंगे, एसी और नॉन एसी दोनों। तो इस वक्त हम लोग हरिद्वार में हैं और खाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए हमारे राहुल भाई बना रहे हैं पूरा, एकदम मिर्चा उर्चा प्याज व्याज कट के तैयार है। सोयाबीन यहाँ पे भिगोया गया है और क्या बन रहा है ये बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे, आप वीडियो से बने रहिएगा। तो हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है, ये है तहरी और हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद बाहर मार्केट में निकलेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, वैसे बना बढ़िया है। ऊपर से आप
मार्केट में होटल मंगलम में जा सकते हैं। ये 1000 से 1500 के रेंज में आपको मिल जाएगा डबल बेड, और नॉन एसी एसी दोनों है। ये मार्केट वाला रास्ता है जो आपको मनसा देवी की तरफ जाता है। हम लोग आ चुके हैं अभी होटल श्री दर्शन में। ये 1000 से 1200 तक आपको ये भी कमरा मिल जाएगा डबल बेड, और एसी नॉन एसी दोनों मिल जाएगी। ये भी मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। और ये हमारा होटल है श्री पंडित जी, जिसमें हम लोगों ने स्टे लिया है। और मैंने अंदर से कमरा आपको दिखाया है, काफ़ी बेहतरीन है, और ये मेन चौराहे पे ही है, तो बहुत ही अच्छा ये है। अभी हम लोगों ने अपने लिए एक प्लेट स्प्रिंग रोल और मोमोज ले लिया है, और ये काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं क्या क्या प्राइस है इसके, फ्राइड राइस सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये चौराहे पे ही है, और इस चौराहे का क्या नाम है मुझे नहीं पता, बट आप ये देखिए राम एंड सन्स के जस्ट सामने है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आगे ही ये लगता है स्टॉल, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग गंगा आरती के लिए आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और आरती शुरू हो चुकी है। हम काफ़ी लेट हो गए हैं, आगे जब मार्केट घूमने में रह गए थे, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ये नीचे देखिए, लेकिन यहाँ पे एक नई तरीका हम लोगों ने देखी है। यहाँ पे नीचे सब लोग जो बैठे हैं ना, इनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं आगे बैठने के लिए, पीछे बैठने के लिए। इस सब चक्रों में आप ना पड़ो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप आओ, तो अगर जल्दी आ जाओ तो आप आगे बैठ सकते हो, वरना ये बैठ के कोई आरती आपको देखने को मिलती नहीं। और आरती आपके पास आ ही जाएगी, तो इसकी कोई जल्दीबाजी आप ना करें तो बेहतर है। आरती ख़त्म हो चुकी है, और हम लोग आ चुके हैं मोहन जी पूड़ी वाले के पास। ये गंगा द्वार के जस्ट सामने ही आपको मिल जाएगा, और आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी डिलीशियस आपको फूड मिलती है। ये रहा गंगा द्वार, और इसके जस्ट सामने ही, चलिए आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूँ। ये रही यहाँ की रेट लिस्ट, और आप पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो काफ़ी टेस्टी होती है। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि इनकी कोई भी ब्रांच हरिद्वार में इसके अलावा नहीं है। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड के वैरायटीज़ मिल जाएंगे। ये आपको हर की पौड़ी है, और विष्णु घाट के साइड हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। वहाँ पे आपको होटल का रेंज, आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपको होटल लेना है तो आप विष्णु घाट के साइड चले जाओ, वहाँ पे आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे। और फूड की ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो आपको हर की पौड़ी आ जाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए बेहतर होंगी। आपको थोड़ा सा देसी खाना है तो यहाँ पर आपको चने भी 20 रुपये से 50 रुपये तक मिल जाएंगे। और आपको विष्णु घाट के साइड मार्केट में ही ये नई दुकान खुली है, मोहन की बेकरी। यहाँ का डिलीशियस फूड है, यहाँ पे आपको हर तरीके का मिठाई और चाइनीज़ आइटम, नॉर्थ इंडियन, आपको ये लिस्ट देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे है इनके, और बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने खुद यहाँ से मिठाई ली और हमने खाई, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मार्केट में यहाँ आके ज़रूर एक बार विज़िट करो, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर आके, और रेट भी जेन्युइन है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में, और तकरीबन 8:30 का समय हो रहा है। आरती के लिए हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें दूर से ही आरती देखने को मिली। भीड़ आपको वीडियो में देखने को मिल गई होगी। बस आज हमने दिन में जो भी करना था वो किया, लेकिन बस एक चीज़ हमसे रह गई, वो थी चंडी देवी यात्रा। और क्योंकि ट्रॉली का जो समय था उड़न खटोला, तो वो हमें टिकट मिली नहीं थी, और हमारे पास इतना समय भी नहीं था। समय तो क्या, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी चुके थे, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर पैदल ट्रैक करना फिर आना तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने नेक्स्ट टाइम डिसाइड किया है कि हम जब वापस आएंगे अपने दो धाम यात्रा को कंप्लीट करके, तो चंडी देवी के दर्शन करने जाएंगे। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। आई होप आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप चाहते होंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले और वीडियोज़ के लिए जो अभी आने वाली है, बैक टू बैक आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और पूरे रास्ते में जो भी जानकारियाँ होंगी सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।